शुभ नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह शनिदेव वक्री होने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 5 जून 2022 को नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदल रही है और शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी चाल को छोड़कर वक्री चाल यानी टेढ़ी चाल प्रारंभ करने वाले हैं और अगले 141 दिन तक यानी 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। हालांकि 12 जुलाई 2022 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में भी गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर शनि के बारे में आपको जानकारी दें, तो देखिए, शनि को नवग्रहों में वैदिक ज्योतिष में विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। शनि को सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी कहा गया है, यानी इनका कार्य कर्मों के अनुसार सजा देना होता है। जिस प्रकार एक टीचर हमारी ऊर्जाओं को समझकर सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करता है और जब हम गलती करते हैं तो टीचर के द्वारा सजा भी देखने के लिए मिलती है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करने वाले ग्रह हैं। मनुष्य को एक दायरे में बांधने का कार्य करते हैं। सीमाओं का उल्लंघन करने पर मनुष्य के जीवन में साढ़े साथी और अपनी दशा के आने पर काफी ज्यादा दंड देते हैं, यानी पीड़ित प्रभाव देते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, खनिज, जेल और कर्मचारी और दुख, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शनि प्रभावी होते हैं। हालांकि शनि के बारे में नकारात्मक धारणा भी लोगों के मन में बना दी गई है, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। अगर जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में रंक से राजा बनने में देरी भी नहीं लगती है। साढ़े साथी के दौरान भी शनिदेव बहुत अच्छा और शुभ परिणाम देते हैं। व्यक्ति के जीवन में यदि जन्म कुंडली पर भी शनि खराब हो और व्यक्ति खराब कर्म भी कर रहा हो तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियों और चुनौतियों का निर्माण शनि की महादशा और साढ़े साथी के आने पर देखने के लिए मिलता है। जन्म कुंडली पर पीड़ित शनि आयु की नुकसान करते हैं, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। पैरालिसिस की समस्या, अस्थमा, गठिया, वायु जनित रोग, लकवा, नपुंसकता की बीमारी और ट्यूमर जैसे रोग देते हैं। तो ये तो हमने शनिदेव से जुड़ी हुई आपको जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। 5 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक के बीच का ये जो फलादेश अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। शनिदेव आपके राशि के ऊपर कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, जो 5 जून को आपके राशि से लाभ भाव में वक्री होने वाले हैं। वक्री ग्रहों के संदर्भ में शास्त्रों में बताया गया है, क्रूर ग्रह वक्री होने पर क्रूर प्रभाव देता है, पापी ग्रह वक्री होने पर पापी प्रभाव देता है और शुभ ग्रह वक्री होने पर शुभ प्रभाव देता है। पर हमारी नजर में हमने पाया है कि जो व्यक्ति जिस चीज का अधिकारी होता है उसके अनुसार ही शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है।
तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि आपके राशि के लगन भाव, आपके राशि के पंचम भाव और आपके राशि से अष्टम भाव पर जा रही है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से वक्री शनि के वक्री होने पर अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में शनि का वक्री होना करियर के मामले में अच्छे अवसर और अच्छी सौगातों को जन्म दे रहा है। इस समय अंतराल में यदि मेष राशि वाले जातक अच्छी मेहनत करते हैं, संभावनाओं को लेकर जीवन में समेट कर चलते हैं, तो सफलता आपको हर क्षेत्र में जरूर मिलेगी। इस समय अंतराल में जो मेष राशि के जातक वाहन चलाने का कार्य करते हैं, भवन वाहन के निर्माता हैं, तेल से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कारखाना है या कार्य है, लोहार या इस्पात से जुड़े हुए कार्यों में आप संलग्न हैं, भवन को निर्माण करने का आप कार्य करते हैं, या इस समय अंतराल में किसी प्रकार की आप सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, तो अच्छे अवसर आपको जीवन में देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। शनि का आपके राशि पर वक्रत्व प्रभाव आर्थिक जीवन के मामले में भी बेहतर रहेगा। यदि पूर्व के समय से मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए भी मिलने जा रही है। पंचम भाव पर जा रही शनि देव की दृष्टियां इस समय अंतराल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपको रुकावटों का सामना जरूर करवाएगी, इसलिए शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को जीवन में हर प्रकार की संभावना को श्रेष्ठ और बेहतर बनाए रखने के लिए रूपरेखा बनाकर कार्यरत रहने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शनि का वक्रत्व काल इस समय अंतराल में आपके स्वभाव में आलस्य निर्माण कर सकता है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपनी नई योजनाओं को, नए कार्य को या किसी प्रकार के कार्य यदि आप शुरू किए हुए हैं और जीवन में यदि आप चल रहे हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। आलस्य की अधिकता आपके अंदर काफी ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आराम क्षेत्र में रहने के बजाय जीवन में अपने हर कार्य को समय पर करने की प्रबल आवश्यकता इस समय अंतराल के दौरान मेष राशि वाले जातकों को रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ आपको व्यर्थ में उलझने से जरूर इस समय अंतराल में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा परिवार में मतभेद की आशंका भी बनती हुई दिखाई देगी। इस समय अंतराल में शनिदेव का वक्रत्व काल आपके जीवन में गंभीरता को बढ़ा सकता है, आपके स्वभाव में गंभीरता काफी ज्यादा देखने के लिए भी मिलेगी। विदेश में कार्य कर रहे जातकों के लिए यह संभावना शनि का यह वक्रत्व काल अच्छा प्रभाव देने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय बेहतर रहेगा, आपको यात्राएं काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है, नौकरी के क्षेत्र में यात्राएं काफी ज्यादा होगी और शनिदेव की अष्टम भाव पर जा रही दृष्टियां इस समय अंतराल के दौरान मेष राशि के जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट जिन जातकों की खराब बनी हुई है, उनको पेट से जुड़ी हुई समस्या, गठिया और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या दे सकती है, तो आपको सेहत के प्रति भी सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शनि का आपके जीवन में इस प्रकार से प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। कई मायनों के लिए यह गोचर बेहतर रहने वाला है, यह वक्रत्व काल बेहतर है और कई जगह पर आपको सावधानी बरतकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो यदि आप करते हैं तो शनिदेव से जुड़ी हुई शुभता आपके जीवन में अर्जित होगी और शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपके अंदर हिम्मत होगी और कमी दुष्प्रभावों में होगी। तो घर में शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड आप शयन कक्ष में आप जरूर रखें,
इस समय अंतराल में शनि के वक्रत्व काल में पीपल के वृक्ष के ऊपर मीठे जल का अर्पण करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और मेष राशि के जातक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो समस्या आपके जीवन से काफी ज्यादा दूर होगी। शनिवार के दिन विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों को, जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाना बेहतर रहने वाला है। और शनि से संबंधित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।